बैंक की नजर नहीं होनी चाहिए। एनआरसी देश की जरूरत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमती गांधी ने 1971 में उन्होंने कहा था कि हमारी आबादी, विस्फोटक आबादी इस कदर से बढ़ रहा है कि हम बाहरी घुसपैठ को सहन नहीं कर सकते। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति राजनीतिक नहीं थी, वोट की थी, इसलिए कांग्रेस ने कभी इसको लागू नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति राष्ट्र है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, और इसीलिए हम एनआरसी लागू कर रहे हैं। और जहां जहां घुसपैठी है वहां वहां ये होना चाहिए। बिहार की, बिहार में जरूरत है क्या? गिरिराज जी बिहार के नेता रहे हैं, बिहार को आपने करीब से देखा है, कई बीजेपी के नेता इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, आवाज नहीं उठा रहे, क्या ये सच्चाई नहीं? देश के, बिहार के जनसंख्या का देखें, सीमावर्ती राज्यों जिलों में क्या हाल है। हम लोगों ने तो 80 में आंदोलन किया था, उस समय बेगूसराय में 0 माइल से लेकर के पूरे बंगाल के बॉर्डर तक हमने देखा है। आज बिहार में अगर बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है तो आबादी विस्फोट सीमावर्ती जिले में क्यों? चलिए सवाल गिरिराज सिंह की और पाकिस्तान में दिख रही है। देखिए हम बिहार से हैं, बिहार में एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली कम मानी छे, वो खिसियानी बिल्ली की तरह कर रहा है, कभी हाफिज सईद को छोड़ता, कभी न्यूक्लियर की बात करता, कभी अपने जाता पैरेड करने के लिए LOC के पास। इससे कुछ नहीं होगा, भारत का रक्षा कवच जो हमारे सैनिकों के पास में है, मजबूत इरादा, मजबूत ताकत, अगर पाकिस्तान ने कोई भूल की तो भस्मासुर की स्थिति होगी। इमरान खान को समझना चाहिए ये बात, इमरान खान को भी समझना चाहिए, और जो निगेटिव अप्रोच वाले हैं, अरे लड़ाई लड़ो ना, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था गरीबी से लड़ो, बेरोजगारी से लड़ो, हम चंद्रयान पर जा रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं, तुम भुखमरी के चपेट में हो, कटोरा लेके घूम रहे हो और गधा भेज रहे हो चाइना में, यही तुम्हारी उपलब्धि। एनआरसी पर क्या कहेंगे आज?